गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, मिस्टर निखिल ने बहुत ही प्यारा वर्ड्स पूछा है, बहुत ही प्यारा फ्रेज है जिसका मोस्टली स्पोकन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शायद आप इसके बारे में अब तक अनभिज्ञ थे, इसके बारे में अनजान थे। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा वर्ड्स है, बहुत ही प्यारा फ्रेज है। तो दोस्तों, शुरू से अंतर देखेंगे, स्पोकन में काफी इस्तेमाल किया जा सकता है और आप अपनी इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, चालू करते हैं उसी श्रृंखला में। मैं बीच में कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे मैं इस प्रकार के टॉपिक ला रहा हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्रकार के मैं आपके सामने बहुत से सैकड़ों टॉपिक ले आऊंगा। आई विल ब्रिंग हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स बिफोर यू। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखना बंद न करें, आप अपने भी डाउट पूछा करें, तो मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, उसी श्रृंखला में मैंने निखिल का वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, तो अगर आप मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बहुत से लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद ही मिलेगा आपको, बहुत ही रेयर वीडियो है। चालू करते हैं। वर्ड है देर इज नो टेलिंग। देर इज नो टेलिंग, अगर इसका शाब्दिक अनुवाद करें तो बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, ये हो रहा मतलब, लेकिन कुछ और अर्थ है। इट्स इम्पॉसिबल टू नो, जानना संभव नहीं है, जानना मुमकिन नहीं है, पता लगाना मुश्किल है या पता लगाना संभव नहीं है। इट इज अननोन, यह अनजान है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग इसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। इट देर इज नो टेलिंग बोले, या फिर इट इज इम्पॉसिबल टू नो, ये भी कह सकते हैं। जानना संभव या मुमकिन नहीं है किसी भी बात के बारे में, किसी भी घटना के बारे में। अगर आपको कोई चीज जो अननोन है उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप कह सकते हैं देर इज नो टेलिंग, ये करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा वीडियो है, शुरू से अंत तक देखेंगे, प्लीज बीच में वीडियो को नहीं छोड़ेंगे। चालू करते हैं। देर इज नो टेलिंग व्हाट जॉब यू विल गेट इन फ्यूचर। देर इज नो टेलिंग व्हाट जॉब यू विल गेट इन फ्यूचर। इट इज इम्पॉसिबल टू नो व्हाट जॉब यू विल गेट इन फ्यूचर, हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन व्हाट जॉब यू विल गेट इन फ्यूचर, हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन देर इज नो टेलिंग कहने से थोड़ा हमारा सेंटेंस डेकोरेटिव हो जाएगा, ब्यूटीफाई हो जाएगा। तो आप ये सब पर ध्यान दें, लेकिन स्ट्रक्चर को देखिए पहले। सेकंड सेंटेंस इसका हिंदी अर्थ ये हो रहा है, यह जानना संभव नहीं है कि आपको भविष्य में कौन सी नौकरी मिलेगी। हमें नहीं पता है कि आपको भविष्य में कौन सी नौकरी मिलेगी, यह जानना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देर इज नो टेलिंग हाउ द टीचर विल रिएक्ट। देर इज नो टेलिंग हाउ द टीचर विल रिएक्ट, ये जानना संभव नहीं है कि शिक्षक कैसे रिएक्ट करेंगे। द मूवी इज फुल ऑफ सस्पेंस, फिल्म जो है सस्पेंस से भरी हुई है। द मूवी इज फुल ऑफ सस्पेंस, सो देर इज नो टेलिंग व्हाट विल हैपन एट द नेक्स्ट सीन। द मूवी इज फुल ऑफ सस्पेंस, सो देर इज नो टेलिंग व्हाट विल हैपन एट द नेक्स्ट सीन। जो फिल्म है पूरी संदेह से भरी हुई है, सस्पेंस से भरी हुई है, इसलिए कहना संभव नहीं है कि अगले सीन में क्या होगा। देखिए, अगले सीन में क्या होगा हमें पता नहीं, ऐसी बहुत सी मूवी होती है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग मुंह फाड़ के देखते रहे कि अब अगला क्या होने वाला है। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो टेलिंग द मूवी इज फुल ऑफ सस्पेंस व्हाट विल हैपन एट द नेक्स्ट सीन, या कह सकते हैं आप मेरे वीडियो के बारे में कह सकते हैं कि देयर इज नो टेलिंग व्हाट विल द टीचर से नेक्स्ट। अब अगला मैं क्या बोलने वाला हूं मुझे पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है कि मेरे वीडियो को देखने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। देर इज नो टेलिंग कि मेरे वीडियो को देखने के बारे में आप अगला क्या सोच रहे हैं, नोबडी नोज इट। या आगे देखते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि देर इज नो टेलिंग, कहना संभव नहीं है, देर इज नो टेलिंग दैट शी विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल और नॉट, वह आपका प्रपोजल या आपका प्रस्ताव स्वीकारेगी कि नहीं, ये कहना संभव नहीं है। हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू नो, इट इज इम्पॉसिबल टू नो दैट शी विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल और नॉट। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन दैट शी विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल और नॉट, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। बट देर इज नो टेलिंग कहना अलग ही होगा, हम अपने वाक्य को ब्यूटिफाई कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट लगेगा, और हम इस प्रकार के वाक्य बनाएंगे तो हमारे जो सेंटेंस है वो ब्यूटी एडिड टू एक्सीलेंस हो जाएंगे, सोने पे सुहागा, ब्यूटी एडिड टू एक्सीलेंस। या नेक्स्ट, ही इज अ पेक्यूलियर फिश, ही इज अ पेक्यूलियर फिश, कुछ तो नहीं रहा, नो ही इज अ पेक्यूलियर फिश,
So there is no telling what he will do next. A peculiar fish kya hota hai? Samajhte hain? Vah ek ajeeb vyakti hai. Vah ek ajeeb vyakti ko peculiar fish kehte hain, strange bhi kehte hain. To vah ek ajeeb vyakti hai, isliye yah kehna mumkin nahi hai ki vah aage kya karega. Hame pata nahi hota. Kuch ajeeb type ke log hote hain. They are peculiar fish. We don't know what they will do next. हमें उनके बारे में पता नहीं होता कि अगला क्या करेंगे. बहुत ही प्यारा सेंटेंस है आखिरी वाला, एक बार और रिपीट करते हैं. He is a peculiar fish. बहुत ही अजीब आदमी है. So there is no telling. कहने की जरूरत नहीं है, कहना मुमकिन नहीं है. What के साथ that नहीं आता. He is a peculiar fish. So there is no telling what he will do next. कि आगे वो क्या करेगा, ये कहने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन वर्ड के साथ हमें दैट नहीं लगाना चाहिए. यस, तो ये टॉपिक था मिस्टर निखिल. बहुत बढ़िया टॉपिक था, आपने बहुत अच्छा रिक्वेस्ट पूछा. और भी व्यूअर्स हैं, बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो नए नए वर्ड्स पूछते रहते हैं. बहुत मजा आता है उनके वीडियो बनाने के लिए. तो प्लीज मेरे वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए, उसका स्ट्रक्चर कैसा, ये सारी बातें समझ में आए. लेकिन दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, आप अपने डाउट्स पूछते रहा करें. मैं जरूर उसका वीडियो बनाऊंगा, समय लग सकता है, कब बनाऊंगा, यस बट आई विल मेक इट. तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आपको आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, पूरा समझ में आ गया होगा. धन्यवाद मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए. दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और बहुत से लोगों को शेयर करें, जिससे हर किसी को इस प्रकार के वर्ड्स का पता चल जाए. और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए. बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट के साथ. धन्यवाद. थैंक यू.